कुरुश्रेष्ठ भगवान श्री परशुराम के शिष्य अतिमहारथी महाजन आचार्य महामहिम पितामह भीष्म के तिरोभाव दिवस को भीष्म अष्टमी कहा जाता है। वे महाराज शांतनु तथा माता गंगा के आठवें पुत्र हैं, जिनका नाम पहले देवव्रत था। वे भगवान विष्णु के 12 विशेष भक्त यानी महाजनों की सूची में विराजमान हैं। उनका सम्मान एवं स्थान स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल्यावस्था में महर्षि वशिष्ठ जी से धर्म तथा शास्त्रों का ज्ञान, गुरु बृहस्पति देव से राजविद्या और भगवान श्री परशुराम जी से युद्ध विद्या तथा राजविद्या प्राप्त की। वे एक उत्तम धर्ममय शासक तथा सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। पितामह तिमिंगला थे। एक तिमी नाम की विशाल मछली होती है जो एक साथ कई ब्लू व्हेल्स को आसानी से खा जाती है, किंतु एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो तिमी नामक भयानक मछली को भी अपने कंठ यानी गले पर रख कुछ क्षणों में उसका वध कर दे। वे हैं अतिमहारथी पितामह भीष्म। प्रत्येक योद्धाओं की अपनी विशेषताएं होती है, जैसे धनुर्विद्या, गदायुद्ध, मलयुद्ध, भाला, तलवारबाजी आदि, किंतु पितामह भीष्म की शक्ति का युवा अवस्था में तो प्रश्न ही नहीं। उनका भयानक युद्ध कौशल वृद्ध अवस्था में भी प्रत्येक प्रकार के महारथी शस्त्रधारी को पराजित करने में सक्षम था। पितामह अपराजेय हैं। उनके प्रसवप अस्त्र का उत्तर स्वयं उनके गुरु भगवान परशुराम भी नहीं दे पाए थे। परिणाम वर्ष उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की और अपने प्रतापी धर्म में दृढ़ शिष्य का यशगान किया। उनकी उदारता, धर्म के प्रति समर्पण और करुणा इतनी गहरी है कि उन्होंने अपने प्रिय पौत्र युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु की योजना तक स्वयं बताई। कुछ घटनाओं के कारण उनकी आलोचना होती है, किंतु उन विरोधियों को यह जान लेना चाहिए कि नारायण की दृष्टि में पितामह त्याग तथा धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। वे उन्हीं के धाम में नित्य रूप से उनके साथ निवास करते हैं। अब ये तो उन्हें निश्चित करना है कि क्या वे नारायण पर प्रश्न उठाने की योग्यता रखते हैं। और तो और, श्री विष्णु ने अपने भक्त पर कृपा कर उन्हें एक विशेष कार्य के लिए भी निमित्त बनाया। पितामह ने ही बाणों की शैया पर भगवान के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। परम हरि भक्त महाजन आचार्य पितामह भीष्म के चरण कमलों में नमन।